सब्सक्राइब जरूर करें, ओके, क्योंकि इनको ये बोलना नहीं आता जब भी मैंने कहा है, सही है ना? सब्सक्राइब होता है, ओके. अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग. तो फाइनली आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि व्लॉग स्टार्ट करें. मैंने कहा चलो आज मैं स्टार्ट कर ही लेती हूँ, क्योंकि ना याद को व्लॉग बनाने के लिए ना कोई टॉपिक चाहिए होता है, ठीक है, और उसमें मेहनत भी बहुत लगती है. मैंने कहा चलो मेहनत कर ही लेते हैं, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे. तो मैंने कहा चलो आज बना ही लेते हैं. और मेरा फर्स्ट व्लॉग इस टॉपिक पे है कि मैं बताऊंगी अपनी लव स्टोरी. मैंने कहा अपने सैम से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उनसे पूछे बगैर तो मुझसे कोई काम होता नहीं है, और जब तक वो मेरे काम में नहीं शामिल होते मुझसे काम भी नहीं होता. तो चलो मैंने कहा आज स्टार्ट ही कर लेते हैं सैम से. और सेम आएंगे तो उन्हें बताऊंगी कि सेम मैं व्लॉग बना रही हूँ, और व्लॉग इस टॉपिक पे है कि हमें बतानी है अपनी लव स्टोरी. तो वो कहेंगे तो फिर बनाएंगे. तो जब वो आ जाते हैं तो हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं. जब तक के लिए 20 मिनट्स लेटर. तो गाइस सेम आ चुके हैं. मैंने आपको कहा था कि सेम आएंगे तो हम अपनी लव स्टोरी स्टार्ट करेंगे. तो सेम आ चुके हैं. जो भी बताना है सच बताना, ओके ना? पहले किसने मैसेज किया था, पहले किसने मैसेज नहीं किया था, ठीक है, पहले किसने देखा था, पहले किसने नहीं देखा था. नहीं, पहले बताएंगे सेम, ठीक है, उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं बता, सब कुछ सबों को मैं ही बताते आ रहा हूँ. आज आप बताओगी व्लॉग, बस बताओ और जाएगा ना झूठ भरा वहाँ मैं स्टार्ट हो जाऊंगा. चलो नहीं बात ही नहीं है, बताओ. नहीं आप बताओ. नहीं मैं बता ही नहीं. चलो तो अच्छा गाइस, चलो मैं बता देती हूँ कि मैं चला रही थी कब 5 जून. हाँ 5 जून को मैं टिकटॉक चला रही थी, ठीक है. तो ये उस दिन 2 साल बाद, हाँ 2 ईयर्स पहले, ठीक है. तो ये सामने आ गए थे, सही, मैं टिकटॉक चला रही थी, ऐसे से ऐसे सिखा रही थी, तो ये आ गए थे सामने, सही है. तो फिर मेरा तो जो है ना इंस्टा भी नहीं बना हुआ था, तो मैंने फिर उस दिन मोबाइल यूज करना भी नहीं आता था. आता था तो फिर मैंने इंस्टा बनाया, इंस्टा पे इनको फॉलो किया, मैंने टिकटॉक पे इनकी सारी वीडियोज लाइक की, सही है. तो फिर मैंने इनको मैसेज किया, इनका रिप्लाई नहीं आया, सही है. तो मैंने इनको मैसेज किया, रिप्लाई आया हाँ हेलो हेलो. तो मैं समझता था इग्नोर करते थे. नहीं मैं इग्नोर नहीं करता था, मैं समझता क्योंकि उस टाइम पे इतना मेकअप करती थी. मैं आपको बीच में पिक्चर सेट लगा दूंगा ये व्लॉग के ना, कि इतना मेकअप करती ऐसा लगता ना फैक है लड़की यार, बाकी में कोई फैक है, कोई फैक अकाउंट बना के आपको मैसेज कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है. तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं समझता था फैक है. तो ये टिकटॉक पे मैसेज करते रहे, कमेंट्स करते रहे, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया. फिर इंस्टाग्राम आप आगे बताओ. फिर जो है ना इन्होंने मुझे इतना इग्नोर किया. तो फिर ना इनका रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, मैंने भी रिप्लाई नहीं दिया. मैंने कहा मैं इग्नोर करके दिखाऊंगी इग्नोर होता क्या है, ठीक है. तो ना एक दिन रात में मैं ऑनलाइन थी, सही है, इनका ना मैसेज आया, हाय. मैंने कहा जी, बोले ना व्हाट्सअप नंबर दो. मैंने इनसे व्हाट्सअप नंबर नहीं मांगा, इन्होंने डायरेक्ट किया कि अपना व्हाट्सअप नंबर दो, ठीक है, वहाँ कॉल. क्योंकि भाई मैं उस टाइम पे ना मैं पबजी ज़्यादा खेलता था, सही है, और मैं किसी से इतना सीरियस नहीं था उस टाइम पे. मैं जो लड़की आती थी मुझसे बात कर लिया करता, 1 महीना 2 महीना चलाता था छोड़ दिया करता था ऐसा था. अब मैं पबजी खेल खेल के ना बहुत थक चुका था, मैंने कहा चलो एक लड़की से बात कर लेते हैं. तो उस टाइम पे ये ऑन दिखी मुझे इंस्टाग्राम पे, इन्होंने इंस्टाग्राम न्यू बनाया था वो भी मेरे लिए. तो उन्होंने इंस्टाग्राम बना के इन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया था, पहले किया था, उसके बाद मैं बोर हो गया था, मैंने मैसेज किया, इन्होंने जवाब आया, इनके मैंने कहा जी मेरा व्हाट्सअप नंबर दो, इन्होंने व्हाट्सअप नंबर दिया. फिर हम लोग की कॉल पे बात हुई, आधा घंटा ऑडियो कॉल पे बात हुई. फिर उसके बाद मैंने कहा आवाज तो लड़की की अच्छी है यार, चलो अब वीडियो कॉल पे देख लेते. तो फिर मैंने वीडियो कॉल कहा, वीडियो कॉल पे आओ. तो ये कहने लगा क्यों अभी इसी वक्त? मैंने कहा क्यों मम्मा बाप से क्या? आजकल लड़कियों के ना यही ड्रामे होते हैं कि मम्मा साथ है, मम्मा बेटी है, बराबर ये वो. मैंने डायरेक्ट कहा बात करनी है तो वीडियो कॉल पे आओ. तो इन लोगों की मैं इनको चलो करो लगा 5 मिनट 10 मिनट मेकअप पता है आप लोगों को लड़कियों का अपने पास से मेकअप मैंने नहीं किया था, सिर्फ मैंने किया केप पहनी थी. तो ना चलो मेकअप नहीं किया, 10 मिनट बाद इन्होंने वीडियो कॉल की, मैंने इनका फेस देखा, हम लोगों ने बहुत बातें की, ऐसा लगता था कि पहले से कहीं जानता हूँ मैं इनको, बट मैं जानते नहीं था. मैंने देखा हम लोगों की बहुत बात हुई इस दिन, बहुत बात हुई, ठीक है. तो मैं अपने कजन के घर पे था उस टाइम पे, तो फिर अगर मैं अपने घर पे होता मैं इनसे ज्यादा बात नहीं कर सकता था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे बराबर में मेरा भाई होता था और भी होते थे लोग, तो मैं नहीं कर सकता था. फिर हम लोगों ने ऐसा ऐसा बात की, 1 हफ्ता बात करते रहे. मैंने उसी रात इनको प्रपोज कर दिया था. मैंने कहा यार लड़की अच्छी है, मैंने कहा ले जा इतना प्यारा था इनको, मुझे बहुत अच्छी तमीजदार लड़की लगी. मैंने कहा हाँ भाई सही है. तो मैंने बात बात की, तो इनको डर लगा रहा 1 हफ्ते तक के क्या डर लगा था कि मैं टाइम पास करूंगा मैं छोड़ दूंगा. लेकिन मुझे क्या पता था ये सालों भर की कहानी हो जाएगी.
सालों में ये कहानी क्या हो जाएगी, ये कहानी है कोई जिंदगी बोलो कहानी हो जाएगी इनकी बात क्या हो जाएगी, जिंदगी हो जाएगी ओके सुन लो इनके मुँह से। तो हम लोग की बहुत बातें हुई, बहुत बातें हुई, एक महीना तक इनको डर लगा कि मैं इनको छोड़ के चले जाऊंगा क्योंकि मैं ऐसा ही करता था बात करता था, पबजी खेलता था, पबजी में ज्यादा खेलता था क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे पबजी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता था, तो इसलिए मैं पबजी खेलता था और लड़कियों को बात करना छोड़ दिया। फिर ना मैंने इनकी पबजी भी छुड़वा दी थी, इन्होंने मेरा पबजी छुड़वाया, सब कुछ छुड़वाया, इन्होंने पबजी छुड़वाया, सब कुछ छुड़वा दिया, जो भी मैं गलत करता था वो सब कुछ छुड़वा दिया। लेकिन तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम साथ हैं, ना हमें कोई लड़ाई ना हमें कोई झगड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह और सबकी दुआओं से सही। और अगर कुछ होता भी है ना तो लड़ाई वड़ाई कुछ भी होती है तो अक्सर मैं ही पैर करता हूँ, मैं ही सॉरी बोलता हूँ, मैं ही माफी मांगता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मेरी गलती होती भी नहीं है ना फिर भी मैं ही बनाता हूँ। जाहिर है आपका हक बनता है, बनता जी है ना, जी बनता है, क्यों नहीं हक बनता है, हर किसी का हक बनता है कि वो अपनी वाइफ को अपनी मंगेतर को खुश रखे। अब माशाल्लाह 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 से अल्लाह पाक नजर से बचा हम लोगों को, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए और आगे भी हमेशा साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआएं चाहिए और आप लोगों का बहुत सारा प्यार चाहिए बस। तो हमारी लव स्टोरी बस यही थी, एंडिंग यही पे होती है, बाकी आप लोग बताते रहना किस किस टॉपिक पे हमें ब्लॉग बनाना चाहिए तो हम उस टॉपिक पे ब्लॉग बनाएंगे। आखिर माशाल्लाह ये अनाया का था ब्लॉग्स का, मैंने कहा आप बना लो तो बना लो, तो कह रही है मैं अलग बनाता हूँ, ऐसा कोई सीन ही नहीं किया, हमने कहा दोनों एक साथ बनाते, एक नाम का बनाते हैं, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो सब कुछ मेहनत रहना सब कुछ इनकी है माशाल्लाह से बस। तो बस आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था, तो अब बनाएंगे हम कल, आइएगा जरूर कि हमारा कौन सा लव स्टोरी वाला पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा, मतलब के क्लिप्स होते हैं ना वो बताइएगा ठीक है, और कमेंट लाजमी कीजिएगा ओके, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ओके, क्योंकि इनको ये बोलना नहीं आता जब भी मैंने कहा, सही है सब्सक्राइब होता है ओके